जिले में चल रही बोर्ड परीक्षा का हाल लेने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हरदोई पहुंचे और उन्होंने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के बाद हरदोई के जीआईसी कॉलेज में बनाए गए मॉनिटरिंग सेल व कंट्रोल रूम पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों से उन्होंने परीक्षा केंद्रों का हाल लिया और वहां मौजूद अध्यापकों से फ़ोन के जरिए सीसीटीवी कैमरों में देखा कि वो कहां पर मौजूद हैं। उसके साथ उन्होंने परीक्षा दे रही छात्रा से भी बात की और उससे जाना कि कहीं परीक्षा केंद्र पर नकल तो नहीं हो रही है। क्या सरल पेपर था क्या? मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ। हाँ, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? अच्छा, दीजिए उनको फिर से दीजिए। चलिए, अब आपके वहाँ स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं? स्टेटिक मजिस्ट्रेट दीजिए। स्टेटिक मजिस्ट्रेट को दीजिए। अच्छा, हेलो, आप कितने, आप लोग कितने बजे आ जाएंगे सुबह? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, पूरी ड्यूटी दीजिए और पूरा लग के काम करिए। कहीं नकल नहीं होनी चाहिए, कहीं पेपर का किसी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, नया प्रयोग है ये और इतना सफल होगा इसकी उम्मीद हम लोग को भी नहीं थी। बगैर किसी व्यय के इस प्रकार के कंट्रोल रूम की स्थापना माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी जगह पर 190,000 कैमरे हैं और सभी जगह पर विद्यार्थी परीक्षा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग लगा है, इंटरनेट कनेक्शन है राउटर के द्वारा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था से पहली बार एक टेक्निकल अप्रोच, जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो हम लोगों ने प्राप्त की है। और मुझको लगता है कि इस प्रकार के जो 9 प्रयोग हैं उनसे जो परीक्षा की पारदर्शिता है वो और अधिक मजबूत होती है। सर, आज आपने किन किन चीज़ों को परखा यहाँ पर? देखिए, आज मेन चीज़ ये होती है कि सारे परीक्षा केंद्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं और संवेदनशील की सूची है कि नहीं है। सभी के पास में जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उनकी सूची है। सबसे बराबर ये लोग जो यहाँ कंट्रोल रूम के हैं उनसे संपर्क स्थापित किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन लोग परीक्षा में आए हैं कि नहीं आए हैं। सभी जगह औचक फ़ोन मिलाया गया, स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी जगह मौजूद हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी जगह मौजूद हैं। ये बड़ी बात है कि जो व्यवस्थाएं जिनको दी गई हैं उन व्यवस्थाओं में अगर सही उतरे तो ये इतने बड़े सेटअप में जहाँ 56 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहा हो, ये बड़ी बात है।